वेलकम बैक गाइस। तो गाइस कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भूल भुलैया 3 मूवी के डे 17 के बॉक्स ऑफिस इंडिया नेट कलेक्शन के बारे में, और साथ ही साथ जानेंगे मूवी ने जो है कि बर्ड बैडली अब तक कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर लिया है। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ और हमारे पास ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है, भूल भुलैया 3 मूवी का जो बजट है वो ज़्यादा नहीं है। मूवी डिसेंट बजट है, यानी कि आज के टाइम का अगर 150 करोड़ बजट से कोई मूवी बनती है तो मैं उसको डिसेंट ही कहूँगा, क्योंकि आज से 10 साल पहले जो है कि मूवीज़ बनती थी जो 150 करोड़ की, तो उसे काफ़ी हाई बजट मूवी बोला जाता था। बट दोस्तों, बोलते हैं ना कि टाइम गॉन चेंज, और ये जो मूवी है वो यही दिखा रही है कि 150 करोड़ का बजट होते हुए भी मूवी ने अपना बजट रिकवर करके एक सक्सेसफुली जो है कि हिट का टैग भी आराम से पा लिया है। दोस्तों, बात करें मूवी के कलेक्शन की, तो मूवी ने अब तक जो है कि 16 दिन कंप्लीट कर लिए हैं बॉक्स ऑफिस पर, और इन 16 दिनों के अंदर मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहा है। मूवी ने लगभग 226 करोड़ का कलेक्शन इंडिया से नेट कर लिया है। और वहीं दोस्तों, बात करें आज के दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आज के दिन मूवी लगभग 5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करती हुई इंडिया से नेट नज़र आ रही है, और जिसके साथ ही मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 231 करोड़ हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 231 करोड़। और दोस्तों, का बात करें मूवी के बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों बर्ड बैडली भी मूवी काफ़ी बढ़िया कलेक्शन कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब क्योंकि मूवी को जो है कि आपने 16 दिन कंप्लीट कर लिया, और इन 16 दिनों के अंदर मूवी का कलेक्शन काफ़ी बढ़िया रहा है, और आज के दिन भी मूवी 5 करोड़ तो इंडिया नेट से कलेक्शन कर रही है, जिसके साथ मूवी का कलेक्शन इंडिया नेट 231 करोड़ हो चुका है। और वहीं दोस्तों, बात करें मूवी के बर्ड बैड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों मूवी का बॉक्स ऑफिस पे जो बर्ड बैड कलेक्शन है वो ऑलरेडी जो है कि 348 करोड़ हो चुका है, और आज के अगर मैं 7 करोड़ भी मिला देता हूँ तो लगभग जो है कि 355 करोड़ हो जाएगा, और जिसके साथ ही मूवी को जो टैग मिल जाएगा वो लगभग जो कि सुपर डुपर हिट का मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है मूवी ऑलरेडी जो है कि एक ब्लॉकबस्टर मूवी हो सकती है। बाकी आपका क्या है ओपिनियन इसके बारे में, अपने रिकमेंड में जरूर दीजिएगा। बाकी आप सभी से मिलते ही रहेंगे ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।